पिक्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी पिक्चर थी। संजय दत्त का रोल स्पेशली बहुत अच्छा था, और जैकी श्रॉफ की तो बात ही अलग है, दादा की तो बात ही अलग है, एकदम ऊपर। अरे रुको, अरे रुको रुको, पूछ रहे ना। और सर बताओ, गाने कैसे थे, एक्शन कैसा था फैजल खान फैजल का? गाने तो बहुत अच्छे अच्छे थे, स्पेशली वो जो क्लब में गाना होता है वो बहुत अच्छा था। और क्या बोलूँ मैं आपको, और तो पिक्चर तो है ही सुपर हिट जाने वाली, और भी ब्लॉकबस्टर आने वाली मुझे तो लग रहा है, जैसे संजय दत्त की एक्टिंग है। पाँच में से कितना स्टार देते हैं? मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ। बोलो, मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत ही बोरिंग है। इसके पहले भी हम लोगों ने वी हैव सीन फ्यू मूवीज विच इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, तो ये भी पॉलिटिक्स के ऊपर है। जैसे हम लोगों ने एक राजनीति देखी थी, लेकिन इस टाइप की मूवीज़ में एक ब्रिलियंटनेस होना चाहिए, एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, कूटनीति होनी चाहिए, जो कि इस मूवी में बहुत ही मिसिंग है। इस फिल्म में पता नहीं एक विवान कैरेक्टर है जो कि उभरे नहीं है, एंड हाफ ऑफ द मूवी इज़ बेस्ड ऑन विवान ओनली। संजय दत्त के लिए वी आर फीलिंग लिटिल बिट बैड बिकॉज ही इज सच अ एक्सपीरियंस एक्टर, तो हमें ऐसे लगता है कि उनके रिस्पेक्टेबल फादर मिस्टर सुनील दत्त आज अगर होते तो ही कुड गाइड हिम कि प्रॉपर सिलेक्शन कैसे करना चाहिए मूवी का। मूवी में एक एक्ट्रेस है जो कि पता नहीं चलता कि वो एक्ट्रेस है या कौन है, तो मूवीज़ में या मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ। तो जैसा सर, आपने प्रसन्ना मूवी लगी तो कैसे देखा? प्रसन्ना मूवी बहुत बोरिंग है। बोरिंग क्यों? बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, एंड इसके पहले भी हम लोगों ने पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड मूवीज़ देखी है लाइक राजनीति, तो उसमें एक स्मार्टनेस होता है, एक कूटनीति होती है, एक ब्रिलियंस होता है जो कि इस मूवी में मिसिंग है। पहले 20 मिनट्स हमें लगता है ये राजनीति है, लेकिन उसके बाद वो फैमिली मूवी बन जाती है। इसमें एक कैरेक्टर है विवान जो कि उभरे नहीं है, एंड हाफ ऑफ द मूवी इज़ बेस्ड ऑन हिम ओनली, तो वहाँ पे एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए था। संजय दत्त के लिए वी आर फीलिंग लिटिल बिट बैड बिकॉज एक एक्सपीरियंस एक्टर है, एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली रियल कम बैक फिल्म फॉर हिम। तो अगर हमें ऐसे लगता है कि उनके फादर रिस्पेक्टेबल मिस्टर सुनील दत्त अगर होते तो ही कुड गाइड हिम कि उनको किस तरह की मूवी सिलेक्ट करनी चाहिए। टोटल वेस्ट, जैकी श्रॉफ जी को टोटल वेस्ट किया गया है, इवन दो मनीषा कोइराला, चंकी पांडे इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर, जैकी श्रॉफ का बस एक ही डायलॉग है, इन सबको बहुत ही वेस्ट किया गया है, तो इनको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए था। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे लेकिन उन्होंने नहीं यूज़ किया है। इस फिल्म में बस एक अच्छी बात है, वो है अली फजल, द रियल क्यूटी पाई। तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो फॉर गर्ल्स, अली फजल के जो अगर आप फैन हो तो ये मूवी देखिए, क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। 2, ओनली 2। ओके, प्रसन्ना मूवी देखी आपने तो कैसी लगी? बहुत मस्त, रावस मस्त लगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो संजय दत्त, जैकी श्रॉफ सबकी कैसी लगी? एक नंबर, सबसे अच्छा संजू बाबा, फिर इसका जैकी श्रॉफ का। ओके, कोई डायलॉग याद रहे तो बहुत ही अच्छा लगा आपको? डायलॉग अली अफजल का अच्छा है लास्ट में, कि माँ ने बहुत खोया है तो उसको भनक नहीं लगनी चाहिए। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 स्टार। ओके, जस्ट आपने प्रसन्ना मूवी देखी कैसी लगी? ठीक ठाक, अच्छी है, वन टाइम वॉच। चलो, ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस कैसे लगे? संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, बहुत टाइम के बाद सभी एक साथ आ रहे हैं। जैकी श्रॉफ की एक्टिंग एक नंबर, और बाकी इसका चंकी पांडे का तो ऑलरेडी मतलब सब मूवी में अच्छी रहती है। ओके, कोई ऐसी डायलॉग या कोई ऐसी चीज़ जो याद रह गई हो मूवी के बाद? लड़की एक याद है और बाकी कुछ नहीं। ओके, कितना स्टार देना चाहिए? 3। ओके, प्रसन्ना मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी है, वन टाइम मूवी है, अपन बार बार इसको नहीं देख सकते, ठीक। एक्शन सीन बहुत कम है, ट्विस्ट ज़्यादा है। ओके, बहुत टाइम के बाद जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, चंकी पांडे सब साथ में आ रहे थे, वो कैसी लगी आपको? वो अच्छे, बहुत अच्छी है, बाबा की एक्टिंग तो सबको अच्छी लगती है, बाकी चंडे चक्की पांडे की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और बाकी दादा तो रहेंगे ही। ओके, पॉलिटिकल ड्रामा है, सो कितनी पसंद है आपको या एवरेज? एवरेज मूवी। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना? 3। ओके, प्रसन्ना मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगा। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो संजू बाबा बहुत सारे, चंकी पांडे हैं, जैकी श्रॉफ है, तो कैसी लगी आपको सब? अच्छी लगी एक्टिंग, सबकी एक्टिंग अच्छी लगी। ओके, मूवी के बाद कोई ऐसे एक डायलॉग या कुछ जो बहुत ही अच्छी लगी आपको?
डायलॉग तो नहीं था उसमें सर, जितना सब पॉलिटिशियन के बारे में बताया गया था। ओके, 5 आउट ऑफ कितना चाहते हैं ना? 3 स्टार। थैंक यू। तो जैसे आपने प्रसारण मूवी देखी तो कैसी लगी? मूवी अच्छी है, देखने लायक है। ओके, व्हाट टाइम पास संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और सभी बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं, तो कैसी लगी सबकी मूवी जो एक ही फ्रेम में? सब अच्छी लगी, सारे मांझे हुए कलाकार हैं, अच्छी एक्टिंग की सभी ने, और संजय दत्त जी का तो एक्टिंग माइंड ब्लोइंग, और उसमें अली फैजल ने बिंदास सबसे ज़्यादा फाड़ू। ओके, आपको लगता है बहुत सारे आर्टिस्ट तो कहीं आप किसी को ऊपर नीचे कहीं कैरेक्टर तो नहीं दे रहे, किसी को जस्टिस किया गया ऐसा आपको लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको अब जरूरत के हिसाब से बराबर दिखाया गया है। अच्छा, मूवी में कोई ऐसे डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आए? डायलॉग्स तो बहुत सारे थे, अपने जैकी दादा का या अल्लाह, मुसलमान का रोल अदा किए हैं तो बार बार खुदा को पुकार रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा था। Okay, देंगे 2.5, लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छा था, इसलिए 3 स्टार देंगे।